अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है जी उर्दू का ग्रेड 8 के लिए, और लेक्चर नंबर 5 है हमारा। प्रीवियस लेक्चर हमने किया था खून का बदला। आई होप आप लोगों ने के जो काम करवाया था वो कर लिया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 शहरी दिफा। तो इससे पहले रीड आउट करते हैं, इन शॉर्ट में आपको करवाऊंगी। आपने रीडिंग खुद से करनी होती है कि क्या है जी। फ़ोन की घंटी बजी, हामिद ने लप्पा का फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई कि बेटा मैं आज रात घर नहीं आऊँगा, क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गई। पुष्ट पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था, वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकते हैं। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं। हम बिकना शेरी को ला करें। इसने अम्मी से पूछा ये कौन लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं। अम्मी ने बताया कि बेटा ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन और खुशहाल बने। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। वो बिस्तर पर लेटा मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है, कि ये कौन से लोग हैं चंद सिक्कों को कीमती जानों का सौदा करते मुल्क में तबाही फैलाता। यही सोचे सोचते हामिद सो गए। दूसरे रोज शाम की चाय पर इसके अब्बा जान से मुलाकात हुई। हामिद के पूछ उन्होंने बताया कि रात भर जख्मियों के ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे। हामिद ने अब्बा जान से पूछा कि अब्बा जान किस तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ, कि मैं किस तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बम धमाके या किसी भी हादसे में शिकार हुए हैं। अब्बा जान ने बताया कि इसके लिए इब्तदाई तबी इमदाद की तरबियत लेना मुश्किल करना पड़ती हैं। महकमा इब्तदाई तबी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत महकमे शहरी दफा कायम कर रखा। यह इदारा किसी भी हादसे की सुरतों को इब्तदाई तबी इमदाद मुहैया करते हैं। शहरी दफाई के दफा के इदारे ने इब्तदाई तबी इमदाद की तरबियत फराम करने का माकूल इंतजाम कर रखे। हर सेहतमंद शख्स को रजाकाराना तौर पर इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए, इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए। हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शोर बहुत कम है, जिसकी वजह से हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना करने के मौके पर दम तोड़ सकते हैं। इन शॉर्ट्स यह है कि ये आपको दफा के बारे में, मतलब शहरी दफा के हम लोग किस तरह अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हम आप लोगों ने इसकी ये रीडिंग खुद से करनी है, और इसके जो वर्ड्स मीनिंग होंगे वो भी करने हैं। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि शहरी दफा के दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया कि आज रात वो घर नहीं आ सकेंगे, शहर में की बड़ी मार्केट में धमाका हुआ लिहाजा अस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है। ये आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ, मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ, अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा, हामिद ने क्या सोचा, हामिद ने सोचा कि धमाके करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, ख्वाम ख्वाब इगनाओ शहरियों को हलाक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आगे जी, धमाका करने वाले कौन लोग होते हैं, मुल्क के दुश्मन, मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। ये मुल्क और, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने, ठीक है। नेक्स्ट है, महकमे शहरी दफा किस लिए कायम किया गया, ये किस तरह काम किया गया। हुकूमत ने यह महकमा इब्तदाई तिब्बी इमदाद और इसकी तरबियत इब्तदाई तिब्बी इमदाद तरबियत के हुकूमत ने महकमा शराई दफा कायम किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 1 2 3 4 का आंसर है। नेक्स्ट है जी, अगर किसी कपड़ों में आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, जिसे आग लग जाए वो दोनों हाथों से चेहरा ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। या आगे जब आप ये इसकी रीडिंग करेंगे ना
तो आपको इसका आंसर मिलेगा ये। अब किसी कपड़े को आपने दोनों हाथों को चेहरे से ढाँप लो, जमीन पर लौटना शुरू करते हैं। अगर दूसरा आदमी पास हो तो फौरन जलने वाले की जैसा पकम्बर रजाई के जरिए कोई मोटा कपड़ा डाल दे और इसे ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। आग वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए वरना इससे आग और ज़्यादा भड़क उठेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है जी। शहर में बम धमाका हुआ था, बड़ी मार्केट में सड़क पर, बड़ी मार्केट। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में क्या थे? डॉक्टर थे, डिस्पेंसर थे, मरीज थे या चौकीदार थे? डॉक्टर थे। इब्तदाई तबी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत महकमा तैयार किया शहरी दफा। दूसरे डोज हामिद के अब्बा जान से मुलाकात हुई, नाश्ते के बाद शाम की चाय पर, रात के खाने पर या दोपहर के खाने पर? शाम की चाय पर। डूबने वाले के जिस्म से पानी निकालना जाता है, उल्टा उल्टा कर, सीधा खड़ा करके, खड़ा करके बिठा कर, उल्टा लिटा कर। मरहम पट्टी के सामान में मंजन से अद्वियात वाले बॉक्स क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स। जैन की मानी तलाश करें, लोहानीन की मैनी कामसन। जैन अल्फाज के मुतजा, ये आपने ना इसके बैक साइड से जहाँ पे अल्फाज मैंने लिखे हुए होते हैं वहाँ से आपने देख के लिखने हैं। ठीक है, ये आपने अपनी नोटबुक पर काम करना है। आगे है जी अल्फाज मुतजाद लिखिए। जालिम रहम दिल, दुश्मन दोस्त, तरक्की तंजीली, खुशहाल बदहाल, आइंदा गुज़िश्ता, आगा लाइल्मी। दर्जैन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी आपने अपनी नोटबुक पर काम करना है। ये आपका मतलब होमवर्क है। ठीक है, एराब लगाइए। सबक के मतन के मुताबिक जैन अल्फाज खाली जगह पर, फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने डैश कर फ़ोन उठाया। हामिद ने पीछे कर देखे, हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। नाम पे काफ। आगे जी, धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग होते हैं? मुल्क को कौम के दुश्मन नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर, मुल्क कौम के दुश्मन चंद सिक्कों के होश कीमती जानों का सौदा करते हैं। हामिद अब्बा जान की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाना नहीं चाहिए। वाहिद के जमन के धमाका, धमाके कौम अकवाम मुलाकात। अच्छा, वाहिद के जमा जमा की वाहिद के मुलाकात, मुलाकात मुलाकातें, अदारा अदारे, हादसात हादसा, हरकत हरकत, तखलियाँ तखली। आगे जी, कलम अलिफ को कलम बे से मिलाए, बड़ी मार्केट, इसमें क्या हुआ था? बम धमाका, अस्पताल एमरजेंसी, मुल्क कौन, जख्मी, मरहम पट्टी, इब्तदाई तिबी अमदाद, महकमे शहरी, ताज़ा हवा, मस्नूई तरीके, फोन, फोन का फिर क्या हो गया, घंटी। आइए, जैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तल्की तस्नीम वाज़ह हो जाए। ये भी आपने खुद नोटबुक पर करना है। शहर खुला दुरुस्त की निशानदेही करें। शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ जी, जलजले की वजह से अस्पताल में एमरजेंसी लगी क्रॉस। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में सर्जन थे। ठीक,
हमें ज़ख्मी मदद नहीं करना चाहता था। खला हादसे में बहुत लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। ठीक है जी, ये आपने एक्सरसाइज करनी है जो बुक पे करवाई गई है, वो आपने बुक पर ही करनी है। और क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले जो हैं वो आपने अपनी नीट जो कॉपी है, नोट बुक है, उस पर आपने करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।